जी हाँ दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर रही है। हमारा मध्य प्रदेश का स्थान हो चुका है 28वां संक्रमण के मामले में। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण के मामले में 28वें नंबर पर हो चुका है। और दोस्तों, हमारे प्रदेश से कोरोना बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो चुका है, क्योंकि दोस्तों अब केवल यहाँ पर 145 केस आए हैं। पॉजिटिव दर है, पॉजिटिव रेट है दोस्तों 0.2% से नीचे चली गई है। दोस्तों 28 राज्यों में सबसे नीचे आ गया है प्रदेश में कोरोना के 145 नए केस आए हैं। जी हाँ दोस्तों, 28वें स्थान पर टोटल सबसे नीचे 28 जो कि राज्य हैं उनमें हमारा जो राज्य अब सबसे नीचे आ चुका है। यहाँ की पॉजिटिविटी रेट 0.2%, वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 98.5% हो चुकी है। और दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान जी ने क्लियर कर दिया कि हमारे मध्य प्रदेश में अब सबसे कम केस आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में कोरोना बिल्कुल पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका है। वहीं दोस्तों बात करें तो 22 जिलों में कोई भी केस नहीं आया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रदेश के 22 जिलों में कोई भी केस यहां पर नहीं देखने को मिल रहे हैं अब। साथ ही दोस्तों, अब केवल 6 जिले हैं जहां पर 5 से ज़्यादा केस बन रहे हैं। केवल और केवल 6 जिले हैं दोस्तों जहां पर 5 से ज़्यादा केस बन रहे हैं, और अन्य सभी जिलों में 5 से नीचे ही केस आ रहे हैं। और दोस्तों, यहां पर आप देख चुके हैं कि 22 जिलों में कोई भी कोरोना का केस यहां पर नहीं बना है। और दोस्तों, जो एक्टिव केस की बात करें तो 2984 अब एक्टिव केस हमारे प्रदेश में बचे हैं। और वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं, भिंड और बुरहानपुर दोस्तों पूरी तरह से कोरोना मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। प्रदेश के भिंड और बुरहानपुर जिले को पूरी तरह से कोरोना मुक्त कर दिया गया है। यहाँ कोरोना का ना तो कोई प्रकरण आया है और ना ही यहाँ पर कोई भी एक्टिव प्रकरण है। तो दोस्तों, भिंड और बुरहानपुर यहाँ पर जो कि कोरोना मुक्त घोषित हो चुका है, दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी ने अब क्लियर कर दिया है कि हमारे मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से नियंत्रित हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से नियंत्रित है। आप सभी के सहयोग से शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि प्रदेश के सभी के सहयोग से कोरोना लगभग पूरी तरह नियंत्रित हो चुका है। प्रदेश की पॉजिटिव रेट भी 0.2% पर आ चुकी है और 73,000 से ज़्यादा जो कि जाँचा करने के बाद भी 145 ही पॉजिटिव रेट बन रही है। तो दोस्तों, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वीडियो को शेयर कर देना है जो भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब केवल 2 जिले हैं जहां पर भोपाल और इंदौर में 10 से ज़्यादा केस हैं, अन्यथा अन्य सभी जिलों में 10 से कम केस ही बन रहे हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।